हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है आर्ट बाय प्रवीण। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक बिगिनर को शेडिंग प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, उनको पहले क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे उनकी शेडिंग में इम्प्रूवमेंट आए एंड वो अच्छा कर सके। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए एंड वीडियो को चेक कीजिए। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बिगिनर के लिए कौन से पेंसिल्स या कौन से जो मटेरियल्स है वो बेस्ट होते हैं सीखने के लिए। तो अगर आपको जानना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें बेस्ट है तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के देखिए एंड एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, अगर आपने अभी तक ये मेरा आर्टवर्क चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाइए एंड चेक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास चार डिफरेंट पेंसिल सेट्स है। सबसे पहले है मैकेनिकल पेंसिल्स जो एकदम लोकल है, 10-15 वाली जो आती है वो। देन वी हैव अप्सरा पेंसिल जो 40 से 45 रुपीज़ का सेट आता है। देन वी हैव आर्टलाइन पेंसिल, इसकी कीमत भी एकदम लो है, 75 से 80 के बीच में आती है। एंड देन वी हैव द कॉस्टलीस्ट पेंसिल जो है स्टेडलर की। तो एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट रेंज होती है पेंसिल का सीखने के लिए वो है ये आर्टलाइन पेंसिल एंड अप्सरा पेंसिल। एंड एक और कंपनी आती है जो है कैमलिन की, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। मैं सारे बिगिनर्स को यही सलाह दूंगा कि वो पहले चिप पेंसिल से शुरुआत कीजिए, चिप पेंसिल से अपना ड्राइंग इम्प्रूव कीजिए एंड देन दे गो फॉर कॉस्टली पेंसिल्स। आप अभी से ये कॉस्टली पेंसिल मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होगा, आपको ड्राइंग नहीं आएगा, तो फिर ये पेंसिल्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में ड्राइंग सीख रहे हैं, आपको ड्राइंग अच्छा नहीं लगता एंड फिर आपने सोचा कि मुझे अभी ड्राइंग नहीं सीखना है, तो फिर ये कॉस्टली पेंसिल्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई विल सजेस्ट टू ऑल द बिगिनर्स कि आप मैकेनिकल पेंसिल से ड्राइंग मत सीखिए, बिकॉज मैकेनिकल पेंसिल एंड जो ये हमारी ग्रेफाइट पेंसिल्स आती है, वुडन पेंसिल आती है, उन दोनों का काम एकदम डिफरेंट है। तो आप जो वुडन पेंसिल से सीखेंगे वो मैकेनिकल पेंसिल से आप नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये वुडन पेंसिल जो आती है ग्रेफाइट वुड मटेरियल की, उससे आपको अपना बेसिक इम्प्रूव करना है, इसी से आपको सीखने की शुरुआत करनी है। बिकॉज मैकेनिकल पेंसिल्स की जो लीड्स होती है वो एकदम फाइन होती है, एकदम पतली होती है, और उसको हैंडल करना एज़ कम्पेयर टू वुडन पेंसिल थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले आप ये सीखिए, देन यू मूव फॉरवर्ड टू मैकेनिकल पेंसिल। इनके अलावा और भी कई ब्रांड्स के पेंसिल आते हैं, कॉस्टली ब्रांड, जैसे डरवेंट हो गए, फिर फैबर कैसल की हो गई। मैकेनिकल पेंसिल में भी आपको कई डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे 0.3 हो गए, 0.5, 0.7, 0.9। देन अप्सरा की बात करें तो इसमें भी जैसे कि यहाँ पर आपको दिख सकता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एच बी है, 2B है, 4B, 6B, 8B, 10B, तो ये सारे शेड्स आपको अप्सरा में मिल सकते हैं। देन आर्टलाइन में भी 2B, 6B, 10B, 12B, देन वी हैव 8B, फिर 2H, 3H, 4H, ऐसे बहुत सारे आते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेडलर्स की, तो इसमें भी ये सेट ऑफ 12 है मेरे पास अभी, जिसकी कॉस्ट है 1100। एंड इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट शेड्स है। यहाँ पे ये पूरा डार्क पेंसिल का शेड है, चारकोल में है, एंड ये ग्रेफाइट मीडियम में है। 6B, 8B, 4B, 2B, 2H, H, HB, B, 2B, 4B, 6B एंड 8B। तो आई विल रिकमेंड दैट कि आप अभी इसको यूज़ मत कीजिए, पहले आप चिप पेंसिल से अपना ड्राइंग इम्प्रूव कीजिए। एंड आपको गारंटी देता हूँ कि चिप पेंसिल से भी आप बेस्ट ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रही है डायमंड वाला जो मेरा ड्राइंग है, माउथ में जो डायमंड है, वो मैंने अप्सरा की पेंसिल से बनाया। तो आप ऐसा मत सोचिए कि पेंसिल चिप होगी तो मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं होगा, और मींस अच्छे ड्राइंग के लिए मुझे कॉस्टली मटेरियल की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इससे भी बहुत अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं, एकदम हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग आप चिप पेंसिल से भी बना सकते हैं। कॉस्टली मटेरियल होते, कॉस्टली पेंसिल्स होते, ये सब फॉरेनर आर्टिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंडिया में भी यूज़ होते हैं, बट फॉरेनर्स आर्टिस्ट इनको ज़्यादा प्रिफर करते हैं, बिकॉज इनका जो मटेरियल होता है, इनका जो मींस आउटपुट होता है, वो एकदम अच्छा होता है। वैसे तो सबका ही अच्छा होता है, बस
डिफरेंस है कि इनके ब्रांडिंग की, और कुछ नहीं, बाकी रिजल्ट सब में आपको अच्छा ही मिलेगा। सो लास्टली मैं यही बोलूँगा सारे बिगिनर्स को कि आप ब्रांडिंग्स पे मत ध्यान दीजिए अभी अभी, आप सिर्फ अपना ड्राइंग इम्प्रूव कीजिए एंड उस पर ही फोकस कीजिए, बाकी सब आप बाद में जैसे जैसे सीखते जाएंगे आप अपने आप इम्प्रूव होते जाएंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर देना, मैं वहाँ पे रेगुलर पोस्ट डालता रहता हूँ नए नए आर्ट वर्क्स की, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेंसिल्स के ऊपर ही कि कौन कौन से शेड्स आते हैं, कैसे कब कहाँ यूज़ करना है उनको। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस डेली।